आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर डाकघर के पास बाइक सवार लुटेरे महिला के कानों से उसके कुंडल लूटकर भाग गए। इस दौरान महिला का कान फट गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस घटना से इलाके के लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है। पूरा मामला औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर डाकघर के पास का है, जहां फिरोजपुर की निवासी रीता देवी अपने पति के साथ सुंदरीपुर जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने उसके कान के कुंडल लूट लिए, जिससे रीता देवी को गंभीर चोट आई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हम फिरोजपुर के रहने वाले हैं, मोटरसाइकिल से आओ और एकदम जनक काल है तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सुंदरीपुर जा रहे थे। किस लिए? मम्मी ने देखा तबीयत खराब थी उनकी वजह से और पड़ गए चक्कर में आए। अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या ले गए? ब्रज वाला ले गए, पर्स छीन ले गए, हाथ में ले गए। एक महिला जो औरैया के ग्रामीण क्षेत्र सुंदरीपुर की रहने वाली है, वो यहाँ से अपने पति के साथ में और एक परिजन और उनके साथ में बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि कान की बाली उनकी नोची गई है, चिन्हित किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र इसमें अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए औरैया सदर क्षेत्राधिकारी देर रात तक आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालते रहे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लूट का खुलासा किया जाएगा। औरैया से सुनील शर्मा, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।